हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मैं चलन सूर्या ब्लॉग। आज मैं आया हूँ राजगीर घूमने। और यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है, मतलब केबल पे लगा हुआ एक ब्रिज, आप लोग जानते हो सस्पेंशन ब्रिज, केबल वाला ब्रिज, तो वही घूमने के लिए मैं आया। ये एंट्री पॉइंट है, तो चलिए फटाफट से हम लोग ले लेते हैं। ग्लास ब्रिज का हम टिकट लेंगे, सस्पेंशन ब्रिज उसी में देख सकते हैं हम लोग। 150 रुपया पर पर्सन वहाँ से चार्ज करते हैं, फिर वहाँ पर 150 रुपया कटेगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, और सुबह थोड़ा जल्दी आइए, क्योंकि 800 से ज़्यादा लोग का एंट्री नहीं है। ये हम लोग ग्लास ब्रिज घूम लिए, वहाँ से कितना 1.5 किलोमीटर पड़ता है ये सस्पेंशन ब्रिज। तो चलिए चलते हैं सस्पेंशन ब्रिज के पास, और काफ़ी अच्छी जगह है ये, मुझे ग्लास ब्रिज काफ़ी अच्छी लगी, आप लोग भी आइए। लेकिन 300 रुपये देते हैं और 2 मिनट ही 3 मिनट लोग वहाँ पर खड़े होने देते हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आता। एकदम हो ऐसा कि 5 मिनट का टाइम दे लोग तो थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और मैं अपने चाचा के साथ आया हूँ, सुबह का हम लोग 5 बजे अपने घर से निकले थे और हम लोग 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे। और हम लोगों ने फटाफट टिकट लिया, डायरेक्ट हम लोग ये राजगीर जंगल सफारी घूमने के लिए आए थे। तो हम जंगल सफारी नहीं घूमेंगे, सिर्फ ग्लास ब्रिज, और वो काफ़ी सारी एक्टिविटियाँ हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को सस्पेंशन ब्रिज, तो चलिए आइए पास से देखते हैं उसको, ठीक है। और धूप काफ़ी ज़्यादा है, ठंडी का समय है लेकिन फिर भी बहुत धूप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है सस्पेंशन ब्रिज के पास, और शायद 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये लोग यहाँ पे आने के बाद, देखिए लिखा हुआ है। लेकिन चलिए चलते हैं, हम लोगों ने 10 रुपये दे दिया और चलते हैं सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। ये कम लोगों को छोड़ते हैं, जैसे 10-10 लोग जाएंगे उस साइड चले जाएंगे, फिर 10 लोग को छोड़ेंगे, ऐसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा है। वो मेरे चाचा पकड़ पकड़ के जा रहे हैं, वैसे तो मेरी फट रही है लेकिन फिर भी ठीक ही है क्या करें वीडियो तो बनाना तो पड़ेगा ना भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं अपना हिम्मत बना के आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, और मैं मनी मन गाली भी दे रहा हूँ लोगों को जो हिला रहे हैं इस ब्रिज को, क्योंकि ऐसा ही मोरबी में एक कांड हुआ था, यहाँ पे ना हो जाए इसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और काफ़ी हाइट पे बनाया गया है इस ब्रिज को, और नीचे में लकड़ी है, लोहे का कुछ नहीं है, टूटेगा लकड़ी पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लोग भी जा रहे थे, काफ़ी लोग जाते थे, आधा दूर पे भाग के आ जाते थे। ये देखिए बच्चा एक जा रहा है, ये उधर उस साइड मुझे जाना है, काफ़ी दूर है, मेरी तो फटी पड़ी है, मैं पार भी नहीं हो पाया और मैं आधे दूरी से भागने लगा। और देख रहे हो आप हाइट कितनी ऊंची पे है ये। मैं जब इस ब्रिज पे चढ़ा तो मुझे मोरबी याद आ गई, मोरबी वाला कांड आप लोगों को पता होगा गुजरात में, इसीलिए मैं भागा है भाई, बहुत ख़तरनाक है, हिल रहा था बहुत तेज़। मतलब रहने दो, क्यों जाना, क्यों जान देना भाई। हाँ तो कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर बताइए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फुल वीडियो देखिए यार, लाइक करो या मत करो ठीक है, लेकिन वीडियो ज़रूर देखो ठीक है। हाँ, जय हिंद जय भारत। जंगल उंगल, ये सस्पेंशन ब्रिज अच्छा लगा, ये अच्छा था, मज़ा भी दे रहा है। तो यहाँ से एग्जिट करते हैं अब बाहर की तरफ। तो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।